dear students, assalamu alaikum. i hope you all are fine and welcome to the maths class. i am your teacher and today we will do question number 2 of this problem solving. okay, we are on page number 124. Uh, so the first second question is read the following problems to decide whether they are addition, subtraction or multiplication problems and circle the correct symbol dear students here are some uh, problems given and we need to solve these problems either by multiplication addition uh, or multiplication addition and subtraction and we need to correct uh, we need to choose the correct symbol and, uh, and the first part here is part a the circus was decorated with some big red balloons and some big blue uh, balloons how many more red balloons were देयर तैन ब्लू बलून्स देखें हमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वी नीड टू सोल्व दिज प्रॉब्लम ओनली वी हैव टू चूज द राइट सिंबल, ओके okay? हमें सॉलो नहीं करना है वी नीड टू सर्कल द करेक्ट सिंबल, ओके इसमें मल्टीप्लीकेशन आएगा सब्ट्रैक्शन uh, आएगा या एडिशन आएगा देखिए तो ये जो पार्ट ए है सर्कस uh, में जो है uh, मतलब जो एक सर्कस होता है ना, सर्कस डेकोरेट किया गया है बलून से कुछ रेड बड़े बलून्स है कुछ बिग ब्लू बलून्स है यानी कि रेड बलून्स भी है और ब्लू uh, बलूनस भी है तो ये कहता है कि हाउ मेनी मोर रेड बलून्स वायर देयर दैन ब्लू बलून्स इसका मतलब है कि कितने ज़्यादा रेड बलून्स थे ब्लू बलून से ठीक है तो इसका मतलब जो रेड बैलून्स है वो ज़्यादा है और ब्लू बैलून्स जो है वो कम है तो ये हमें किस से सॉल्व uh, होगा देखिए फॉर एग्जांपल लेकिन यहाँ पे हमें एक क्लू मिलता है कि जो रेड बलून्स है वो ज़्यादा है किस से ब्लू से फॉर एग्जांपल अगर रेड बलून्स है इज इक्वल फाइव ठीक है और ब्लू बलूस इसे कम है है ना ये हमें इसने दिया है क्लू एक ब्लू बलून्स कितने हैं टू है अब हमें देखना है कि रेड बलून्स कितने आ, मतलब बलून से ज़्यादा है ब्लू बलून से तो हम ये किससे करेंगे सोल्व एडिशन से सब्ट्रैक्शन से कि मल्टीप्लीकेशन से देखिए बड़ा नंबर कौन सा है फाइव है तो फाइव में से हम टू को लेस um, करेंगे सो फाइव माइनस टू इज इक्वल थ्री तो कौन सा यहाँ पे सिंबल आया सप्ट्रैक्शन तो हम सपट्रैक्शन पे जो है सर्कल uh, करेंगे यानी कि द करेक्ट सिंबल इज सप्ट्रैक्शन है ना अगर रेड बलून ज़्यादा है तो हमें देखना है कि वो कितने ज़्यादा हैं ब्लू से तो हम रेड बलून में से ब्लू बन्स जो है वो निकालेंगे तो वहाँ हमें uh, जो ज़्यादा नंबर्स है बलून के वो निकलेंगे ठीक है सो पार्ट हेयर इज पार्ट बी इज़ several people came for the afternoon show how many people came for the evening show how many people came for both the shows ठीक है बहुत सारे जो आ, लोग हैं वो आफ्टरनून के शो पे आए हैं आफ्टरनून का शो देखने आए हैं इसी सर्कस में और many more और उससे भी ज्यादा जो है आ, पीपल जो आ, लोग जो है वो आए हैं शाम के आ, शो पर यानी कि कुछ आए हैं आफ्टरनून के शो देखने के लिए और उससे ज़्यादा जो है इवनिंग शो देखने के लिए आए हैं हाउ मेनी पीपल केम फॉर बोथ द शोज हमें क्या देखना है कि टोटल में दिन भर कितने पीपल आए हैं अगर कि आफ्टरनून शो पे आफ्टरनून पे आए हैं फॉर एग्जांपल फाइव ठीक है और इवनिंग शो पे आए हैं फॉर एग्जांपल सेवन ठीक है हमें देखना है कि टोटल में दिन भर कितने जो पीपल है वो शो देखने के लिए आए दोनों शोज देखने के लिए आए तो हम क्या करेंगे हम करेंगे आ, आफ्टरनून का शो प्लस इवनिंग का शो है ना और फाइव प्लस सेवन बनता है इट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन लगता है कौन सा सिंबल लगता है प्लस साइन तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा ठीक है पार्ट सी सम जगलर्स वर टिंग कार बॉल्स अप इन द एयर इफ ई जगलर है द सेम नंबर ऑफ बॉल्स हाउ मनी बॉल्स वेर देयर इन ऑल ठीक है कुछ जो जगलर्स होते हैं जगलर्स यानी कि जो जोकर्स होते हैं वो टॉस करते हैं ना उनके हाथों में बहुत सारी बॉल्स होते हैं और वो उनको हवा में छोड़ते हैं बॉल्स और एक हाथ से वो छोड़ते हैं हवा में और दूसरे हाथ से पकड़ते हैं लेकिन बहुत सारे बॉल्स होते हैं ठीक है तो बहुत सारे जो जो यानी कि कुछ जो है, वो उन कलरफुल ठीक है इफ ई जगलर द सेम नंबर ऑफ बॉल्स हाउ मेनी बॉल्स वेयर वेयर देयर इन ऑल तो हमें देखना है कि अगर सभी जगलर्स जो है इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स टॉस करते हैं है ना इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स टॉस करते हैं तो टोटल में कितने बॉल्स उनके पास है वहाँ पे कितने बॉल्स है वो कैसे हम देखेंगे अगर कि टू जगलर्स है और हर कोई जगलर के पास सेम बॉल है सेम आ, हम लेंगे सेम बॉल फॉर एग्जांपल फोर फोर बॉल्स वो टॉस करते हैं हम करेंगे मार्च फोर यानी कि दो जगलर्स है ये कहता है ना सम जगलर्स तो दो जगलर्स लेंगे और वो करता है इक्वल Uh, मतलब कि बॉल्स को टॉस तो हम करेंगे टू मल्टीप्लाई फोर एंड फो, टू फो टू फोज आर एट हमने कौन सा साइन यूज़ किया कौन सा सिंबल किया मल्टीप्लिकेशन ठीक है फॉर एग्जांपल अगर ये जगलर ए है और ये जगलर बी है ये भी चार बॉल्स टॉस करता है ये भी चार बॉल्स टॉस करता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन में आए, आसान हो जाएगा ना टोटल कितने जगलर्स हैं टू और हर कोई कितने टॉस करता है फोर इसने कहा ना इक्वल बॉल्स टॉस करते है टू टू फोज आर एट है ना आया समझ तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन साइन सम क्लाउंस केम इन ग्रुप्स इन टू द सर्कस रिंग इफ ईच had the द सेम नंबर ऑफ़ क्लाउंस हाउ मेनी क्लाउंस there in इन ऑल देखिए अब जो ये सर्कस है इसमें क्लाउंस आते हैं क्लाउंस मतलब जो मस्खरे होते हैं जो हंसाते हैं ना लोगों को वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे सर्कस में तो वो हमें मतलब क्या हंसाते हैं है, है ना? तो ये कहता है कि अगर कुछ क्लाउन्स जो है वो ग्रुप्स में आते हैं सम क्लाउंस कम इन ग्रुप्स इन टू द सर्कस रिंग तो हम फॉर uh, एग्ज़ाम्पल लेंगे थ्री ग्रुप्स ऑफ क्लाउन्स आते हैं है ना तो इफ़ ईच ग्रुप हैड द सेम नंबर ऑफ़ क्लाउन्स हाउ मेनी क्लाउंस वेर इन ऑल तो अगर हर एक ग्रुप में सेम uh, नंबर के जो क्लाउन्स आते हैं तो टोटल में कितने क्लाउन्स आते हैं ठीक है तो अगर ग्रुप्स तीन आते हैं तो हर एक ग्रुप में सेम नंबर इसने कहा ना तो हर एक ग्रुप में दो दो क्लाउन्स आते हैं है ना थ्री टूज आर सिक्स इसका मतलब ये भी हमने मल्टीप्ली मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया है ठीक है ग्रुप्स इसने कहा कि अगर कुछ ग्रुप्स में आते हैं क्लाउन्स हम लेंगे फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है और इसने कहा कि हर एक ग्रुप में सेम क्लाउन्स uh, आते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी दो आते हैं इसमें भी दो आते हैं इसमें भी दो आते हैं हमें टोटल में देखना है कि कितने क्लाउन्स आते हैं टू 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 ठीक है हम इसको आसानी आ, मतलब आसान बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन वरना हमें टू प्लस टू प्लस टू करना होता है देखिए ग्रुप्स कितने हैं थ्री और हर एक ग्रुप में कितने क्लाउंट आते हैं टू सो थ्री टूज आर सिक्स है ना तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन <coughs> साइन आएगा मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा ठीक है आ, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए खुदा हाफिज़